जो कंप्लीट हो रहा है ये पार्किंग का, कि दुकानें भी अलर्ट होनी है, बाकी जो पार्किंग की है वो भी, ये पूरी जो बड़ी वाली बिल्डिंग। गुड मॉर्निंग गाइस, जय श्री राम, वेलकम टू माय न्यू एपिसोड। मैं शुभम अयोध्या उत्तर प्रदेश से, स्वागत है मेरे एक नए वीडियो में। तो फाइनली अभी हमें अयोध्या का जो 13 किलोमीटर का राम पथ बन रहा है उस पर, बाकी अंदर का कंस्ट्रक्शन आप देख सकते हैं कि राम पथ का अभी कितना कंप्लीट हुआ है। आपको शहादतगंज से लेके अयोध्या तक ऐसे ही दिखाई देगा कि अभी राइट साइड सीवर वगैरह कंप्लीट हो रहा है, फिर लेफ़्ट साइड सीवर वगैरह कंप्लीट हो रहा है, उसके बाद पाइपें पड़ रही हैं, इलेक्ट्रिक लाइट, अंडरग्राउंड लाइटें वगैरह पड़ी हैं। और ये बीच बीच में जो आप देख रहे होंगे कि पोल लगा हुआ था जिसपे लाइटें लगी थी, वो सब उतार ली गई हैं और अभी बीच से भी खुदाई करनी है। तो ये डिवाइडर वगैरह जो देख रहे हैं ये टूटेगा, पूरी जो बीच की डिवाइडरें हैं ये सब पूरा तोड़ के बीच से खुदाई करके और पाइपें डाली जाएंगी। और ये पिलर्स आप ऊपर देख सकते हैं, जो लाइटें लगी थी उनको हटा दिया गया है। तो अभी राम पथ कंस्ट्रक्शन का काम काफ़ी बचा हुआ है और काफ़ी तेज़ी भी लाया जा रहा है राम पथ कंस्ट्रक्शन में, जिससे जल्द से जल्द ख़त्म हो सके। लेकिन अभी फ़िलहाल ट्रैफिक की वजह से थोड़ा काम में स्पीड नहीं पकड़ रहा, क्योंकि दिन में जो है काफ़ी ज़्यादा ट्रैफिक होती है, गाड़ियों का आवागमन काफ़ी ज़्यादा होता है इसके देखते हुए। और बाकी अगर आप देखेंगे तो जो चौड़ीकरण का है कि रामपथ कंस्ट्रक्शन कितना ज़्यादा चौड़ा होने वाला है ये पूरा रोड, बाकी जेसीबी वगैरह भी गैस देखेंगे आप तो रोड के किनारे ही आपको खड़े हुए ही मिलेंगे। और ये मेरे लेफ्ट साकेत डिग्री कॉलेज, जो इसकी बाउंड्री है साकेत डिग्री कॉलेज की, ये फ़िलहाल रोड से हटके है इस वजह से ये इसकी बाउंड्री नहीं टूटी। बाकी अदरवाइज़ राइट साइड अगर आप देखेंगे तो कितना ज़्यादा चौड़ा हुआ है अभी, और राइट साइड भी आप देखेंगे तो ये रेत कितना ज़्यादा पड़ा हुआ है, क्योंकि यहाँ रखा गया है यहाँ से ले जाके जहाँ सीवर वगैरह का काम चल रहा है उसमें यूज़ में लाया जा रहा है। और देखेंगे तो आप जो डिवाइडरें वगैरह हैं ये एक बार टूटने के बाद फिर दोबारा निर्माण होगा, ये कि बीच से पूरा डिवाइडर दोबारा बनाया जाएगा। और बीच बीच में जैसे सीवर का बड़ा बड़ा पॉइंट बनाया जा रहा है साफ़ करने के लिए, उसका भी काम अभी चल रहा है यहाँ पे। तो यहाँ से आप देखेंगे तो जो अभी साइड साइड की घरें जो टूटी हुई थी उनका निर्माण फ़िलहाल अभी शुरू हो चुका है। और बाकी रामपथ से सटा हुआ मल्टीप्लेक्स कॉम्प्लेक्स जो बड़े बड़े बन रहे हैं वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। बाकी ये जो मंदिर है ये इसका भी अभी वाल पूरा तोड़ा जाएगा। और बाकी चल के आज आपको दिखाते कि रामपथ से सटा हुआ जो कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, मल्टीप्लेक्स कॉम्प्लेक्स जो बन रहा है, जो भारी वाहनों के पार्किंग के लिए, जैसे फोर व्हीलर वगैरह जो आएंगे राम मंदिर दर्शन करने के लिए, तो पार्किंग की जो व्यवस्था बनाई जा रही है वो, बाकी दुकानें जो अलाट होनी है वो, तो वो आपको दिखाते हैं कि अभी कितना कंप्लीट हुआ है। यहाँ से ये आप देखेंगे तो अभी ये पूरा आप देख सकते हैं कि जो कंप्लीट हो रहा है ये पार्किंग का, कि दुकानें भी अलाट होनी है, बाकी जो पार्किंग की है वो भी, ये पूरी जो बड़ी वाली बिल्डिंग आप कॉम्प्लेक्स देख रहे हैं ये पूरा आप देखेंगे तो अयोध्या विकास प्राधिकरण गत के अंतर्गत ये काम कंप्लीट हो रहा है। और इधर आप देखेंगे तो ये जो बैनर लगाए गए हैं ये अयोध्या विकास प्राधिकरण अयोध्या पार्किंग एवं व्यवसायिक, जिसमें दुकानें भी अलाट होंगी, बाकी गाड़ियों की पार्किंग की भी जो व्यवस्था बनाई गई है उसमें गाड़ियों की पार्किंग की व्यवस्था, बाकी जो पोस्टर में आप देखेंगे जैसा दिख रहा है वैसा ही कंप्लीट होगा ये पूरा अपार्टमेंट। और इधर ये अपार्टमेंट देखेंगे तो इसके जस्ट सामने ही अपोजिट साइड भी ये भी अपार्टमेंट आपको इसी तरीके से पूरा कंप्लीट हुआ मिलेगा, ये देखेंगे आप। इधर भी ये बोर्ड लगा हुआ है और बाकी गाड़ियों की जो पार्किंग की साइड से रोडें दी गई हैं वो उसे बोर्ड पे दिखाया गया है। और ये दो आप देख सकते हैं कि अपार्टमेंट कंप्लीट होगा। और ये सीधे
रास्ता हाईवे की तरफ निकल जाएगा और इधर से ही रास्ते से सटा हुआ ही आपको एक और रास्ता मिलेगा जो सीधे अयोध्या रेलवे स्टेशन की तरफ जाएगा। ये जो फ्लाईओवर बनना है ये तो सीधा आपको NH-27 को जोड़ेगी, जहाँ से आपको राम मंदिर आने में आसानी होगी। बाकी ये रास्ता आप देखेंगे लेफ्ट साइड जस सटा हुआ, ये अयोध्या रेलवे स्टेशन की तरफ जाएगा। ये रास्ता इधर आप पूरा देखेंगे तो पूरा रास्ता ये कंप्लीट अभी हो गया है। बाकी बीच बीच में बस अभी लगने हैं जो रेलिंग्स और पेड़ और फूल पत्तियां वगैरह जो लगनी है वो लगेंगी। बाकी सीधा रास्ता अयोध्या रेलवे स्टेशन की तरफ जाएगा ये, और हाईवे से सटा हुआ ही है जिससे आप स्टेशन भी आसानी से पहुंच सकें, या स्टेशन से अगर राम मंदिर जाना चाहते हैं उसके लिए भी आसानी से आप पहुंच सकें। और बाकी इधर रोड से सटा हुआ ही प्रधानमंत्री आवासीय योजना जो है उसका भी ये बिल्डिंग आप देख रहे हैं, तो ये सब प्रधानमंत्री आवासीय योजना के अंतर्गत ही ये पूरी बिल्डिंगें कंप्लीट हुई हैं, जो कि अभी अलाटमेंट हुई नहीं है, अभी अलाटमेंट राम मंदिर निर्माण के बाद होगी, बाकी कुछ काम बचे हुए हैं वो कंप्लीट हो रहे हैं। तो ये आप देख सकते हैं कि जो रेलवे स्टेशन की तरफ रास्ता जाता है और कंस्ट्रक्शन जो रेलवे स्टेशन का चल रहा है अभी वो कितना कंप्लीट हुआ है। इधर अभी आप देखेंगे तो ये सब पूरा पड़ा हुआ है यहाँ तक। अभी इधर और भी जो स्टेशन की बाउंड्री है वो बनाई जाएगी, वो कंप्लीट होगा इधर। तो फाइनली ये आप देखेंगे कि जो स्टेशन का जो निर्माण है वो अभी चल ही रहा है। यहाँ से आप देखेंगे तो पूरा जो अयोध्या का न्यू रेलवे स्टेशन बना है वो दिख रहा है आपको, और इधर अभी काम चल रहा है, और सामने अयोध्या का जो नया भव्य रेलवे स्टेशन बना है वो। तो फाइनली वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल पर नया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। अयोध्या से डेवलपमेंट की ढेर सारी वीडियो देखने के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें। मिलते हैं नए एपिसोड के साथ, नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, बाय, जय श्री राम।